तुम्हारे पास आने के सुअवसर कम नहीं आए, तुम्हारे पास आने के सुअवसर कम नहीं आए। अभी तक हम इलाहाबाद के संगम नहीं आए, अभी तक हम इलाहाबाद के संगम नहीं आए। कभी गंगा कभी यमुना बुलाती थी हमें, लेकिन किसी दिन तुम नहीं आई, किसी दिन हम क्या कहने। वाह 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 वाह। किसी दिन हम नहीं आए, किसी दिन तुम नहीं आए, किसी दिन हम नहीं आए, क्या कहने हैं, क्या कहने। वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आप सबका। मुझे बताया भी गया था और मैं किसी भ्रम में भी नहीं हूँ, मैं ये जानता भी हूँ कि मैं अलवर में खड़ा हूँ और अलवर कविता का तीर्थ कहा जाता है, जहाँ करुण जी रहते हों, बलवीर सिंह जी, करुण जी रहते हों, आदरणीय त्रिलोक भाई सब रहते हों, विनोद भाई सब रहते हों, त्रिलोक भाई सब रहते हों, विनीत भैया रहते हों। उस जगह मैं कविता पढ़ रहा हूँ तो बिना किसी प्रलय विलाप के, बिना किसी संवाद के, फिर चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, मुझे एहसास हो कि मैं राजस्थान में खड़ा हूँ। कहाँ किसको कभी गुजरी कहानी याद रहती है, कहाँ किसको कभी गुजरी कहानी याद रहती है। न राजा याद रहता है, न रानी याद रहती है। झूम कर अपनी बनाना चौथी पंक्ति को, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ किसको कभी गुजरी कहानी याद रहती है, न राजा याद रहता है, न रानी याद रहती है। मोहब्बत में ही ताकत है जो दुनिया में अमर कर दे, हमें सदियों तलक मीरा दीवानी याद रहे। दीवानी याद, बिना किसी भूमिका के चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ, क्या कहने हैं। क्यों याद रहती है, क्या कहने। वाह वाह वाह। उमड़ते जुल्म का हर एक निशाना हार जाता है, उमड़ते जुल्म का हर एक निशाना हार जाता है। कनीजों से कभी शाही घराना हार जाता है, क्या कहने हैं, क्या कहने। जुल्म का हर एक निशाना हार जाता है, कनीजों से कभी शाही घराना हार जाता है। कभी भी आज मलेना मोहब्बत को, मगर सुन लो, मोहब्बत जीत जाती है, जमाना हार जाता है। क्या कहने हैं भी, क्या कहने। वाह 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 वाह। जाती है, वाह 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 वाह। चार पंक्तियां पढ़ने का बहुत मन है, इसी इसी तरह। क्या कहने हैं, क्या कहने। बिछे थे फूल जितने आज सर। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। मैं पुनः पढ़ देता हूँ आपके आदेश पर। मुझे पुनः आदेश हुआ इस मुक्तक को पढ़ने का, मैं फिर पढ़ देता हूँ। उसी चेतना से मुझे आशीष दे दीजिएगा। मैं पिछले 5-7 दिनों से यकीनन थका हुआ हूँ, इसलिए भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जितनी ऊर्जा आप मुझे दे दोगे, मेरा बड़ा मन है, क्योंकि इन सब अग्रगण्य वर्ण्य कवियों की उपस्थिति, शायरों की उपस्थिति, बहुत कम ऐसा हो पाता है जब कविता सम्मेलन होता है। अमूमन रोज चूरन चटनी बांटने होते हैं वो कवि सम्मेलन वाले, जो आज यहाँ नहीं होगा। मैं इसलिए भी ईमानदारी से बहुत कुछ अच्छा पढ़ना भी चाहता हूँ। इन सबके मेरे नंबर भी मिल जाएंगे और आपका आशीष भी मिल जाएगा इस धरातल पर। मैं पुनः सुना रहा हूँ। उमड़ते जुल्म का हर एक निशाना हार जाता है, कनीजों से कभी शाही घराना हार जाता है। कभी भी आ
आजमा लेना मोहब्बत को, मगर सुन लो मोहब्बत जीत जाती है जमाना हार जाता है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? मोहब्बत जीत जाती है जमाना हार जा, चार पंक्तियां और पढ़ रहा हूँ सर। बिछे थे फूल जितने आज पथरीले हुए होंगे, बिछे थे फूल जितने आज पथरीले हुए होंगे, सिसकती चांदनी में हाथ जब पीले हुए होंगे, सिसकती चांदनी में हाथ जब पीले हुए होंगे, हमें परदेश में बेमौसमी वर्षा बताती है हमारी याद में उनके नयन गीले हुए, हमारी याद में उनके नयन गीले। मैं एक शीर्षक से आपको कुछ छंद सुनाना चाहता हूँ पुष्प वाटिका से, लेकिन उसके पहले मुझे आदेश है 3-4 छंद पढ़ने का, जो अमूमन मैं कवि सम्मेलनों में पढ़ा करता हूँ। इन सब बड़े लोगों का आशीष आप सबकी उपस्थिति के बीच में पढ़ने की कोशिश। जी भाई, एक व्यक्ति, एक एक जन, एक एक मन और एक एक गण, जो जिस उम्र का है वो अपने उस बचपन को जीलेगा चौथी पंक्ति में, जो मैंने जिया है या जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर जी लो तो फिर मुझे जी कर दिखाना, मैं थोड़ा स्टार्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रारंभ होने की। एक याद ताजा करता हूँ, एक एक जन, एक एक मन और एक एक गण की। जेठ तपने लगेगा कभी घर आंगन तो शीतल सी नदिया का कूल याद आएगा, जेठ तप, थोड़ा सा आवाज बढ़ा देना भैया इसका, भाई साहब दोनों तीनों चारों जो भी सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हो थोड़ी सी आवाज बढ़ा देना। जेठ तपने लगेगा कभी घर आंगन तो शीतल सी नदिया का कूल याद आएगा, और बांसों से गुजरती हवाएं याद आएगी तो आम नीम से मल बबूल याद आएगा, और शहरों में खुद को बसा के आप देखना कि, शहरों में खुद को बसा के आप देखना कि एक एक सरसों का फूल याद आएगा। जनगण मन तुतलाते हुए गाया था वो प्रथम नियुक्ति का स्कूल याद आएगा, जनगण मन तुतलाते हुए गाया था वो प्रथम नियुक्ति। कक्षा 12वीं के एग्जाम हुए थे और विदाई समारोह था हमारे स्कूल में, उस विदाई समारोह से मुझे भी जाना था और कुछ लोगों को छोड़ना था, मुझे कुछ सुनाना था। मैं नया नया उस समय लिखने लगा था सर, पढ़ने लगा था, तो सर का आदेश था अध्यापकों का कि मुझे कुछ सुनाना है उस विदाई पार्टी में, मुझे भी उस दिन वो स्कूल छोड़ना था। मैंने किसी के लिए उस समय में 8 पंक्ति पढ़ी थी, आज आप सबसे हस्ताक्षर करवाता हूँ मैंने किस तरह से पढ़ा था उस समय। जाते हो तो जाओ कभी याद जो करोगे हमें, खट्टी मीठी एक एक बात याद आएगी, जाते हो तो जाओ कभी याद जो करोगे हमें, खट्टी मीठी एक एक बात याद आएगी, और सहेली के संग जब जहाँ जैसे हुई होगी पहली बार दूजी मुलाकात याद आएगी, मेरी जूठी बोतल का पानी याद आएगा तो, मेरी जूठी बोतल का पानी याद आएगा तो, प्रेम की अनोखी बरसात याद आएगी, एक मीठी मुस्कान तैरने लगेगी जब मधुर की कोई खुराफात याद आएगी, एक मीठी मुस्कान तैरने लगेगी जब मधुर की कोई खुराफ। क्या मांग सकता था उस विदाई समारोह में, मैंने कहा था जाते जाते तुमसे वचन यह मांगता कि मिलने हर एक इतवार चली आना तुम, बहुत लोगों के काम आएगी, मैं इसलिए भी पढ़ रहा हूँ। जाते जाते तुमसे वचन यह मांगता कि मिलने हर एक इतवार चली आना तुम, और मुझको पता है नहीं आ सकोगी रोज रोज, कभी कभी तीज या त्योहार चली आना तुम, तीज या त्योहार घर छोड़ना कठिन होगा, तीज या त्योहार घर छोड़ना कठिन होगा, जब मन करे तब यार चली आना तुम, मरने से पहले करेंगे हम इंतजार तुमको कसम एक बार चली आना तुम,
मरने से पहले करेंगे हम इंतजार। क्या कहने हैं, क्या कहने। बहुत अच्छा सुन रहे हो। मैं इसी धरातल से एक दो छंद और सुनाता हूँ, फिर पुष्प वाटिका का प्रारंभ करता हूँ। मुझसे मिली तो कुछ ऐसे वो खिली के उसे देख देख चंपा वा चमेली शर्मा गई। मुझसे मिली तो कुछ ऐसे वो खिली के उसे देख देख चंपा वा चमेली शर्मा गई। चूड़ियों को देख बंगलोर शर्माया और झुमके को देख के बरेली शर्मा गई। चूड़ियों को देख बंगलोर शर्माया और झुमके को देख के बरेली शर्मा गई। अखियों का काजल वा उलझी लटों को देख मुस्काई मन में सहेली शर्मा गई। आज मेहंदी से मेरा नाम जब लिखा और चूमने चली थी तो हथेली शर्मा गई। आज मेहंदी से मेरा नाम जब लिखा और चूमने चली थी तो हथेली शर्मा गई। चूमने चली थी तो हथेली। मैं चार पंक्तियों से प्रारंभ कर रहा हूँ। पुष्प वाटिका एक शीर्षक से मैं सुनाना चाहता हूँ, बाकी फिर आप जो सुनेंगे जैसा सुनेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा पढ़ना है। महेंद्र मधुर जी, वाह वाह वाह। सत्यपाल भाई साहब को निकलना भी है, मैं उनकी उपस्थिति में इसलिए भी जल्दी सुनाना चाहता हूँ। पहली बार पुष्प वाटिका में भगवान राम जानकी जी से मिले थे और जानकी जी भगवान राम से पहली बार पुष्प वाटिका में मिली थी। वो पहली बार का मिलन वहाँ से पुष्प वाटिका से लेकर के अशोक वाटिका तक के 5-7 छंद सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसा लगा था पहली बार का प्रणय मिलन? श्रृंगार अगर ठीक भाषा में कर दिया हो मैंने तो इस मंच का सबसे छोटा हूं, आप सबका सर्वाधिक आशीष चाहता हूं मैं केवल इन पंक्तियों पर। नीले नीले अंबर पे पीले पीले सूरज सा ऐसा दृश्य वह रोज शाम को निहारती। नीले नीले अंबर पे पीले पीले सूरज सा ऐसा दृश्य वह रोज शाम को निहारती। केत की कनेर कचनार मधुमालती वा आम्र मंजरी हो जैसे आम को निहारती। नीले नीले अंबर पे पीले पीले सूरज सा ऐसा दृश्य वह रोज शाम को निहारती। केत की कनेर कचनार मधुमालती वा आम्र मंजरी हो जैसे आम को निहारती। दूर दूर तक फैली अलसाई सी सुगंध जैसे कोई काम ना हो काम को निहारती। पुष्प वाटिका को मेरे राम जी निहार रहे, पुष्प वाटिका भी मेरे राम को निहारती। पुष्प वाटिका को मेरे राम जी निहार रहे, पुष्प वाटिका भी मेरे राम को निहारती। पुष्प वाटिका भी मेरे राम को निहारती। दृश्य क्या था मैं बिना किसी संवाद और बिना किसी भूमिका के सुना रहा हूँ। वाटिका के पुष्प पुष्प राज लगने लगे तो कली 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 गण गोर लगने लगी। वाटिका के पुष्प पुष्प राज लगने लगे तो कली 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 गण गोर लगने लगी। और कोयले सुनाने लगी गीत मंगलाचरण और प्रकृति भी चित चोर लगने लगी। नयनों से नयनों की बातचीत के समय श्वास की रिदम तक शोर लगने लगी। आज राजनंदनी के अध खुले नयनों में डूब कर भोर भी विभोर लगने लगी। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। नयनों में डूब कर भोर भी विभोर लगने लगी। डूब कर भोर भी पहली बार राम ने दृष्टि मिलाई थी। वातावरण क्या होगा मैंने कल्पना की है। छन छन बजने लगी थी ये दिशाएं तब देखने लगे थे चारों ओर मेरे राम जी। एक एक व्यक्ति की वाह चाहता हूँ, एक एक व्यक्ति का हृदय से आशीष चाहता हूँ केवल चार पंक्तियों पर। छन छन बजने लगी थी ये दिशाएं तब देखने लगे थे चारों ओर मेरे राम जी। और बार बार जाने लगी दृष्टि जानकी की ओर किंतु थामे रहे दृष्टि डोर मेरे राम जी। तो लख ना सके लखन सावधानी ऐसी आज सिया के जिया के बने चोर मेरे राम जी। कोरी कोरी गोरी गोरी सूरत को चोरी चोरी देखते किशोरी को किशोर मेरे राम जी। गोरी 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 सूरत को क्या चोरी देखते किशोरी को किशोर। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद महेंद्र जी, वाह 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 वाह। बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। मुझे शिकायत है त्रिलोक भाई साहब से कि इतनी देर क्यों की मुझे बुला लें।
छन छन बजने लगी थी ये दिशाएं, तब देखने लगे थे चारों ओर रे मेरे राम जी, और बार बार जाने लगी दृष्टि जानकी की ओर, किंतु था मेरा ही दृष्टि डोर मेरे राम जी। तो लख ना सके लखन सावधानी ऐसी आज, सिया के जिया के बने चोर मेरे राम जी। कोरी कोरी गोरी गोरी सूरत को चोरी चोरी देखते किशोरी को किशोर मेरे राम जी, देखते किशोरी को किशोर मेरे राम जी। चार पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, अगर ठीक से वातावरण देख लो तो मैंने निभाने की कोशिश की है जी। मंद मंद गंध लिए शीतल समीर चली, तन में उमंग झूमने का मन हो गया। क्या कहने मंद क्या? मंद गंध लिए शीतल समीर चली, तन में उमंग झूमने का मन हो गया। प्रेम की पवित्र बगिया में मन आया, और देख देख दृश्य डूबने का मन हो गया। तो गदराई तरुणाई कली कली इतराई, भंवरों के संग घूमने का मन हो गया। पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने को आए थे वो, उनके चरण चूमने का मन हो गया। पुष्प वाटिका में आए थे वो, उनके चरण चूमने का मन हो गया, उनके चरण चूमने का मन हो गया। चार पंक्तियों में अपनी परीक्षा मंच से लेता हूँ और आप सबका आशीष मांगता हूँ। क्या कहने क्या कहने। तन कभी आत्मा से बढ़ के प्रतीत हुआ, कभी आत्मा भी तन जैसी लगने लगी। क्या कहने। तन कभी आत्मा से बढ़ के प्रतीत हुआ, कभी आत्मा भी तन जैसी लगने लगी। और कण कभी सृष्टि के स्वरूप सा दिखा, परंतु कभी सारी सृष्टि कण जैसी लगने लगी। तन कभी तन कभी तन कभी आत्मा से बढ़ के प्रतीत हुआ, कभी आत्मा भी तन जैसी लगने लगी। और कण कभी सृष्टि के स्वरूप सा दिखा, परंतु कभी सारी सृष्टि कण जैसी लगने लगी। तो साथ रही सीता तब राम रहे शक्तिमान, सिया बिन उम्र रण जैसी लगने लगी। वन भी अवधपुरी लगने लगा, तो कभी अवधपुरी भी वन जैसी लगने। क्या कहने क्या कहने।